दोस्तों, कहने वाले बिल्कुल सच कहते हैं कि कर्मों का फल इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। ये बिल्कुल सच है और इसका जीता जागता सबूत है समर सिंह। आकांक्षा दुबे को टॉर्चर करना, पैसे हड़पना, मारना पीटना, ब्लैकमेल करना, इन सब कर्मों का फल पाने के लिए समर सिंह को अब तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कोर्ट के फैसले से आकांक्षा दुबे की माँ के साथ ही लाखों फैंस की भी पहली जीत हो गई है। जी हाँ दोस्तों, समर सिंह को जिला कोर्ट ने सारनाथ पुलिस के हवाले कर दिया है। 5 दिन की पुलिस रिमांड पर समर सिंह को दिया गया है। अब रिमांड पर पुलिस कैसे सच उगलवाती है ये तो आप और हम सभी जानते हैं। तो अब समर सिंह को अगले 5 दिन अपनी कमर की सिकाई के लिए तैयार रहना चाहिए। अब इसी बीच खबर है कि कोर्ट का ये फैसला सुनते ही समर सिंह बेहोश हो गया, रोने लगा। तो क्या समर सिंह को अभी से पुलिस का खौफ सताने लगा है? क्या पुलिस समर सिंह से 5 दिन में सच उगलवा पाएगी? आप भी आकांक्षा के इंसाफ के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। इस लड़ाई में हमारा साथ देने के लिए, इस मुहिम के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आकांक्षा दुबे की मां की कोर्ट में पहली जीत हुई है। आकांक्षा की मां चाहती थी कि समर सिंह से पुलिस कड़ाई से पूछताछ करे, मगर गिरफ्तारी के बाद ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि पहली ही पेशी के बाद समर सिंह को जेल भेज दिया गया। मगर अब कोर्ट ने नया फैसला सुनाते हुए समर सिंह की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और समर सिंह को पुलिस की कस्टडी में सौंप दिया है। जी हां, भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में आरोपी सिंगर समर सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सिविल जज जूनियर डिवीजन और फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय तानिया गुप्ता की अदालत ने बुधवार यानी कि 12 अप्रैल को समर सिंह की पुलिस रिमांड को मंजूरी दे दी है। अब 13 अप्रैल की सुबह 10 बजे से लेकर 17 अप्रैल की शाम 5 बजे तक की पुलिस रिमांड की मंजूरी फिलहाल दी गई है। इसका मतलब यह है कि समर सिंह 4 दिन 7 घंटे पुलिस की कस्टडी में रहेगा, मतलब करीब करीब 5 दिन समर सिंह को पुलिस की रिमांड में रखा जाएगा। अब कोर्ट का ये फैसला सुनते ही समर सिंह की हालत खराब हो गई, क्योंकि समर सिंह अच्छी तरीके से जानता है कि पुलिस की रिमांड का मतलब क्या होता है, कैसे वहाँ पर डंडे के जोर पर सच उगलवाया जाता है। दरअसल समर सिंह कोर्ट में पेशी के लिए फिजिकली नहीं गया था, बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समर सिंह की कोर्ट में पेशी हुई थी, यानी कि समर सिंह जेल में ही था और जेल से वीसी के जरिए कोर्ट में पेशी हुई थी। अब समर सिंह को लग रहा था कि कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की परमिशन दे दी तो पुलिस कस्टडी ना देने की बात भी शायद मान लेगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई तो पहले ही पूरी कर ली थी। अब 12 अप्रैल को सिर्फ फैसला दिया और कहा कि 13 से 17 अप्रैल तक समर सिंह को पुलिस की रिमांड में रखा जाएगा। पुलिस आरोपी से केस से जुड़े सभी तथ्यों को जानने के लिए पूरी तरह आजाद है। अब ये बात सुनते ही समर सिंह बुरी तरह रोने लगा, कोर्ट के सामने गिड़गिड़ाने लगा, मगर कोर्ट में ना तो समर सिंह की और ना ही समर सिंह के वकीलों की चली। समर सिंह के वकीलों की फौज भी कोर्ट के फैसले को बदलवा पाने में नाकामयाब रही। दरअसल सारनाथ की पुलिस ने समर सिंह की 7 दिन की रिमांड अदालत से मांगी थी। पुलिस का कहना है कि समर का मोबाइल बरामद किया जाना बेहद जरूरी है। इसके अलावा समर के लखनऊ और मुंबई स्थित ऑफिस जाकर उसके और आकांक्षा के बीच हुए वित्तीय लेनदेन, फिल्मों की डील से जुड़े सभी कागजों का बरामद होना बेहद जरूरी है। अब रिमांड का विरोध कर रहे समर सिंह के वकील अनुज यादव, आशीष सिंह और विकास यादव ने खूब दलीलें दी और रिमांड को कैंसिल करवाने की भी कोशिश की। अधिवक्ताओं ने कहा कि समर की गिरफ्तारी मोबाइल की लोकेशन की मदद से हुई है, तो मोबाइल को बरामद करने की जरूरत कैसे आन पड़ी। वहीं समर के वकीलों ने कोर्ट में कहा कि समर और आकांक्षा के बीच हुए वित्तीय लेनदेन और फिल्मों के करार संबंधी कागजात हमारी तरफ से उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ऐसे में समर सिंह को थाना पुलिस के हवाले किए जाने का कोई औचित्य नहीं है। अब समर सिंह के वकील कोर्ट में बोलते रहे, मिन्नतें करते रहे, दलीलें देते रहे, मगर कोर्ट ने वकीलों की बातों को दरकिनार करते हुए समर सिंह को सारनाथ पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल तो कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड दी है, मगर सारनाथ पुलिस को पूरी उम्मीद है कि रिमांड कोर्ट की तरफ से बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि पुलिस को समर सिंह को लेकर लखनऊ, मुंबई जैसी जगहों पर जाना है जिसमें वक्त भी लगता है। अब 13 अप्रैल की सुबह 10 बजे सारनाथ पुलिस जिला जेल जाएगी और समर सिंह को अपने साथ अपनी रिमांड में, अपनी कस्टडी में लेकर आएगी और उसके बाद समर सिंह से असली पूछताछ का दौर शुरू होगा। अब जहां कोर्ट का फैसला आकांक्षा की मां और आकांक्षा के फैंस के लिए राहत की खबर लेकर आया, वहीं समर सिंह और उसके समर्थकों को कोर्ट के फैसले से बड़ा झटका लगा है। तो आपका क्या मानना है, क्या 5 दिन में पुलिस समर सिंह से सच उगलवा पाएगी? क्या पुलिस के डंडों के आगे समर सिंह सच उगलेगा? आप भी अपनी बात अपनी राय कमेंट में जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो आकांक्षा दुबे की मौत की मिस्ट्री ट्रिपल एस में उलझकर रह गई है। समर सिंह, संजय सिंह और संदीप सिंह, भोजपुरी सिंगर और आकांक्षा के साथ रिलेशनशिप में रहने वाले समर सिंह को पुलिस पकड़ चुकी है। समर सिंह अब कानून के शिकंजे में है। कई दिनों की फरारी के बाद समर सिंह को वाराणसी पुलिस ने गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया।
मगर समर सिंह का भाई संजय सिंह अब भी फरार है। आखिर वो ऐसे कौन से पाताल में छिपा है जिसे पुलिस तलाश नहीं कर पा रही। और तीसरा है संदीप सिंह, जिस पर शक की सुई अचानक से सबसे ज्यादा तेज हो गई है, और इसकी वजह है आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे के वो सवाल जिसका जवाब वाराणसी पुलिस के पास है ही नहीं। दरअसल आकांक्षा दुबे की मां ने वाराणसी पुलिस से पूछा है कि उन्होंने होटल का सीसीटीवी पूरा क्यों नहीं दिखाया। आकांक्षा के साथ संदीप सिंह आते तो दिख रहा है, कमरे में जाते भी दिख रहा है, मगर उसका कमरे से बाहर वापस आने का या होटल से बाहर निकलने का कोई वीडियो क्यों नहीं है। आकांक्षा की मां का आरोप है कि संदीप सिंह उस रात को होटल से बाहर गया ही नहीं था, अगर गया होता तो वीडियो होना चाहिए। आकांक्षा की मां का आरोप है कि संदीप सिंह भी समर सिंह से मिला हुआ है और वो इसी के इशारे पर काम करता है, इसीलिए आकांक्षा पार्टी से जब अरुण पांडे की गाड़ी में आ रही थी तो संदीप सिंह ने आकांक्षा को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। जरूर उसके दिमाग में कोई पहले से साजिश थी, कोई पहले से प्लान था, वरना वो बीच रास्ते में इतनी बड़ी अदाकारा की कार को क्यों बदलवाता, और कमरे के अंदर जाने का उसका मकसद क्या था, यह आकांक्षा दुबे की मां वाराणसी पुलिस से पूछ रही है। आकांक्षा की मां का कहना है कि पुलिस इस मामले में शुरू से ही बेवकूफ बना रही है। पुलिस ने समर सिंह और संजय सिंह को संरक्षण दे रखा है और संदीप सिंह को भी पुलिस ही बचा रही है। आकांक्षा की मां मधु दुबे ने बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि समर सिंह की तरफ से वाराणसी पुलिस को 2 करोड़ रुपए मिले हैं, तभी तो समर सिंह की गिरफ्तारी नहीं की गई थी, वो तो यूपी के मुख्यमंत्री की लताड़ के बाद वाराणसी पुलिस को समर सिंह को गिरफ्तार दिखाना पड़ा, पुलिस ने खुद ही छुपा रखा था, वरना यूपी के सीएम की डांट पड़ते ही इतनी जल्दी समर सिंह पुलिस के हाथ कैसे लग गया। आकांक्षा की मां का कहना है कि संजय सिंह को भी पुलिस ने ही छुपा रखा है, पुलिस तो 2 करोड़ के बदले काम कर रही है, पुलिस को किसी की मौत से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मोटी रकम से मतलब है। आकांक्षा की मां का कहना है कि मेरी बेटी तो जा चुकी है और अब गुनहगार हमारे परिवार को धमका रहे हैं। मधु दुबे का आरोप है कि जब तक संजय सिंह बाहर रहेगा हमें रोज धमकियां मिलती रहेंगी, हमारी जान को हमेशा खतरा रहेगा, हो सकता है कि हमारे साथ भी कुछ अनहोनी हो जाए। मधु दुबे का आरोप है कि पुलिस के साथ ही सारनाथ के होटल के लोग भी मिले हुए हैं, उनको भी समर सिंह ने पैसे के दम पर खरीद रखा है, तभी तो होटल वालों ने सिर्फ संदीप सिंह के आने का सीसीटीवी वीडियो दिया है। अगर होटल वाले सच बोल रहे हैं तो फिर संदीप के होटल से बाहर जाने का फुटेज क्यों नहीं है। आकांक्षा की मां का आरोप है कि संदीप सिंह सिर्फ 17 मिनट नहीं रुका था, बल्कि मेरी बेटी की मौत का पूरा तमाशा देखने के बाद ही होटल से बाहर गया था। अब माना जा रहा है कि पुलिस संदीप सिंह पर जल्दी शिकंजा कस सकती है, और जैसे ही पुलिस को समर सिंह की कस्टडी मिलेगी समर सिंह से भी दोबारा पूछताछ की जाएगी। वहीं इधर वाराणसी जिला कोर्ट ने समर सिंह के पुलिस रिमांड के मामले पर सुनवाई पूरी कर ली है और फैसले को अपने पास सुरक्षित रखा है, जिसे कोर्ट की तरफ से जल्दी बताया जाएगा, मगर तय माना जा रहा है कि समर सिंह की कस्टडी पुलिस को मिलकर रहेगी। और अगर पुलिस सही तरीके से ईमानदारी से समर सिंह से पूछताछ करती है तो आकांक्षा की मौत का राज खुलने में जरा भी देर नहीं लगेगी, क्योंकि पुलिस के डंडे के आगे तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं, और समर सिंह तो गूंगा नहीं बल्कि गायक है, सिंगर है, तो पुलिस के डंडे अगर पड़े तो समर सिंह भी बोल पड़ेगा, तो सच अपने आप सामने